તે વેસ્ટ બનાસ ડેમ હૈ। सो ये है गुरु दत्तात्रेय मंदिर गुरु शिखर। सो हमारा फाइनल शूटिंग पॉइंट पे भी हो गया। ये शूटिंग पॉइंट है, कुछ ज्यादा खास है नहीं। तो सुबह 7 करवा व्यू पॉइंट माउंट आबू बंद था, अभी खुल गया। देखते हैं कैसा व्यू आता है। सुबह लॉग लगा हुआ था। तो आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, कुछ ऐसा है पूरा मैप। हमने ये वाला कवर किया और दत्तात्रेश्वर ये भी गए थे, यहाँ कहाँ है पता नहीं है, बट यस सनसेट पॉइंट नहीं गए हम पूरा। ये आप देख लीजिए, चलो यार चेक कर लेते हैं कि गाड़ी न्यूटन में कहाँ तक चलती है। हम ऊपर से तो बहुत तक लेके आए, तब एंगल दूसरा था, अभी ये वाला एंगल है, तो देखते हैं कहाँ तक गाड़ी जाती है न्यूटन में। पर 8 लोग बैठे हैं और लोग यहाँ ही देख रहे हैं और 3 पीछे लोग देखते ही रहे हैं। वीडियो क्या बोलते हैं पब्लिक, सुबह यहीं हमने खजूरें खाई थी और यहीं रस पीने आ गए रस वाले भाई। और ये पूरा सामने दिख रहा है वो है माउंट आबू, 25 किलोमीटर का है भाई। ओह माय गॉड, थक गया भाई। तो हम जा रहे थे तो मैप में ऐसा कुछ दिखा सरोवर जैसा, तो हमने सोचा कि देख लेते हैं क्योंकि इसमें बहुत। हमने रोड पे बाइक पार्क करी, जा रहे हैं देखते हैं क्या सीन है, अगर अच्छा हुआ तो फोटो वोटो खिंचा लेंगे। लेकिन भाई आज पैर की हालत और बाइक की हालत दोनों गया, दोनों खराब है भाई। चले भी इतना और काम भी इतना किया। ओह माय गॉड, अच्छा ये खेत भी है क्या, वाह। अच्छा है ये माउंट आबू ही है, इसके पीछे जो पहले वाले जो पर्वत है उसके पीछे पूरा माउंट आबू है। सबसे ऊंचा जो है माउंट आबू का भी यही के आसपास में, उसके पीछे ये सरोवर सही है। अपनी बाइक वहाँ पार्क की, ऐसे सेफ नहीं है राजस्थान में, बट यहाँ से क्लीन दिखता है तो रिस्की है। ते वेस्ट बनास डैम है, दोनों साइड पहाड़ और बीच में से जाते हुए हम बहुत कुछ चीज़ें है जो मैं सीख रहा हूँ, वो भी कर रहा हूँ। थोड़ा ट्यूनिंग अलग है लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा, है ना। तो ये वाला मेरे को रास्ता बहुत पसंद है कि हर एक रास्ता ये पहाड़ों के बीच में से ही गुजरता है।